तो अब एनएलपी क्या है, हम शुरू करते हैं आज। थोड़ा सा उसका हिस्ट्री देखेंगे, एनएलपी होता क्या है, किस तरह से वो उसने मेरे मेरी लाइफ पूरी चेंज कर दी, जो मैंने आप लोगों को बताया। अब धीरे धीरे हम इसको किस तरह से आगे बढ़ाएंगे, किस तरह से अपनी खुद की प्रॉब्लम्स हम खुद सॉल्व करेंगे डेली बेसिस पे। वही तो मजा है ना, कि छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के लिए हमें किसी थेरेपिस्ट के पास नहीं जाना पड़े, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के लिए डॉक्टर के पास नहीं भागना पड़े। तो इससे ज्यादा इजी लाइफ क्या होगी। ग्रेट, तो मैं अब थोड़ा सा स्क्रीन भी शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। चलिए, आप लोग सब स्क्रीन देख पा रहे हैं? यस इट इज विजिबल। हाँ ओके, यस यस ग्रेट। अच्छा, तो बेसिकली हमारा एक एक नॉर्मल लाइफस्टाइल सबका क्या होता है, हमें तीन चीजों पे बेसिकली हम वर्क करते हैं, अपनी अपने बॉडी पर, माइंड पर और अपने सोल पर। यही मेन है, इसको हम बीएमएस भी बोलते हैं, बॉडी माइंड सोल, या बहुत अलग अलग तरीके से हम इन इन तीन वर्ड्स को बहुत यूज करते हैं अपनी लाइफ में, सभी करते हैं, राइट। बॉडी के लिए हमें पता है हमें एक्सरसाइज करनी है फिजिकल फिट रहने के लिए। माइंड के लिए क्या चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग, इट्स एज सिंपल, ये तो सबको पता है। और सोल के लिए क्या चाहिए, टू अपग्रेड आर सोल वी नीड मेडिटेशंस एंड ए स्पिरिचुअल जर्नी, सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है, ये बात सबको पता है, बट सच बताइएगा आप में से कितने ये फॉलो करते हैं। आई रियली वॉन्ट एन आंसर, हाँ कम ऑन, हाउ मेनी ऑफ यू रिचुअली फॉलो दीज थिंग्स। संगीता जी कुछ कहना चाहते हैं? पार्शली पार्शली राइट, निधि जी ट्रू, क्यों नहीं करते, ये पता है कि ये नेसेसिटी है, ये सबको पता है ना ये नेसेसिटी है, लेकिन हम क्यों नहीं करते। उसका रीजन है हमारे माइंड में कुछ ब्लॉकेजेस हैं। ओके, आप लोग प्लीज थोड़ा म्यूट करेंगे अपने आप को। तो ये बात सबको पता है, फिर हम ये बात काम क्यों नहीं कर पाते, कुछ तो रीजन होगा, कहीं तो कुछ ऐसी हमको कोई चीज रोकती होगी, कुछ बैरियर्स होंगे हमारे आसपास, या कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम होगी ना। तो ये जो तीन बेसिक चीजें हम अपनी लाइफ में कर ही नहीं पाते कभी भी, और करते हैं तो थोड़े दिन करते हैं और छोड़ देते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो ब्लॉकेज है, राइट। तो अब हम इस एनएलपी की जर्नी में इन ब्लॉकेजेस को हटाएं, ताकि छोटी छोटी चीजें भी जो हम नहीं करते, इररिस्पेक्टिव कि क्या रीजन है, हम इस चीज को हटाएंगे। ओके, अब ये बैरियर्स क्या क्या होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, कि हमारे अंदर कितने ब्लॉकेजेस हैं। आप जानते हैं हमारे अंदर कितने ब्लॉकेजेस हैं एज सच, मैं जस्ट जनरल बातें कर रही हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग टिपिकली, एनएलपी अभी स्टार्ट नहीं हुआ है पढ़ाना, मैं एक जनरल बात कर रही हूँ आप लोगों से, कि क्या आप लोग जानते हैं टोटल पे कितने ब्लॉकेजेस आते हैं। देर आर इन अबाउट 32 to 35 ब्लॉकेजेस जो प्रूव हो चुके हैं कि आपकी लाइफ के, और जिसमें से मैं सिर्फ और सिर्फ ये तीन ब्लॉकेजेस रिमूव करने की बात कर रही हूँ ऑन फर्स्ट गो। इजी है, सिंपल है, एटलीस्ट शो मी योर थम्स अप, अगर आप लोग नहीं कुछ बोलना चाहते तो एटलीस्ट थम्स अप बता दें, सो दैट आई कैन रेजोनेट कि हाँ आप लोग सब मेरे साथ हो। ग्रेट, ओके। अच्छा चलिए, आप लोग को एक छोटी सी एक्सरसाइज और करवाते हैं। आप लोग ये लिखिए कि आप सबसे ज्यादा अपनी लाइफ में इंपॉर्टेंस किन चीजों को देते हैं। आई गिव यू अ रैंडम नंबर, मैंने रैंडमली लिखा है, ये आप शीट देख रहे हैं सामने, इसमें एक पॉइंट है हेल्थ, फाइनेंस, सोशल स्टेटस, इमोशनल स्टेट एंड रिलेशनशिप्स। आप लोग ये लिखिए कि इसमें सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पर आप किसको रखते हैं, फिर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ये मैंने रैंडम लिखे हैं, दिस इज नॉट द करेक्ट फॉर्म,
I'm just asking you. You have to think and write. Done? Okay. Great. जिन लोगों ने फाइव नंबर पहले लिखा है वो जरा हाथ उठाएं अपना. वर्चुअल हैंड भी चलेगा और वैसा भी चलेगा. एटलीस्ट आई वॉन्ट टू सी जिन लोगों ने फाइव नंबर पहले लिखा है. चेतना जी, अमुदा जी, ओके. बस एक और था, निधि जी ने भी शायद पहले वो ही लिखा था जहां तक मुझे याद. एक मिनट, आई जस्ट use my screen. Okay, where is Nidhi ji? I'm not able to see him. Okay, yeah. आपको पता है सबसे ज्यादा सारी problems की जड़ क्या होती है? They are relationship issues. बच्चे का माँ से जो शुरू होता है ना, वूम में जो शुरू होता है, दैट इज द रिलेशनशिप. वहां से जो इश्यू शुरू होते हैं, ये सारी चीजें जो ऊपर की हैं, वो उसके ऊपर ही बेस है. द मेन पॉइंट इज रिलेशनशिप. वो चाहे आपकी किसी से भी हो, चाहे आपकी अपने आप से हो, चाहे अपने पेरेंट्स से हो, चाहे अपने स्पाउस से हो, चाहे फ्रेंड्स से हो, सोशल सर्कल से हो, इवन आपके मनी से आपकी कैसी रिलेशनशिप है, सारी प्रॉब्लम्स की जड़ है रिलेशनशिप. तो इट इज नॉट द रिलेशनशिप कि आपकी सिर्फ अपने हस्बैंड वाइफ की हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की हो, पेरेंट्स और बच्चों की हो, या टीचर स्टूडेंट्स की हो. ऐसा नहीं होता है. रिलेशनशिप हर कहीं होती है. मेरी और आपकी भी रिलेशनशिप है ये, राइट? तो रिलेशनशिप सब जगह है और सारी 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 की सारी प्रॉब्लम्स की जड़ ही रिलेशनशिप होती है. अब वो कैसे, आप बताएं. आपका किसी से झगड़ा हो गया, आप बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, कहीं कोई इशू नहीं है, कुछ भी इशू नहीं है आपको. आपका किसी से झगड़ा हो गया आज सुबह ही सुबह, सबसे पहले क्या होगा? गुस्सा आएगा, इरिटेशन होगा, डिप्रेशन आएगा, ये स्टेजेस शुरू हो जाती है. सबसे फर्स्ट थिंग यही होती है. और जब ये स्टेजेस आई तो सबसे पहले क्या होगा, आपकी हेल्थ पे आएगा. फिर हेल्थ पे आएगा तो आपका काम करने का मन नहीं करेगा. हो सकता है ऑफिस भी ना जाए आगे, आपका जो भी डेली रूटीन है आप उसको फॉलो ना करें. बॉडी पर भी आएगा, आपके फाइनेंसिस के ऊपर भी एक क्वेश्चन मार्क आ गया, राइट? स्ट्रेस डेफिनेटली. तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो रिलेशनशिप के ऊपर ही आती हैं. तो सबसे पहले जो हमारा जो फर्स्ट लेवल है उसमें हम पूरा एक महीना खुद पे काम करेंगे. हाउ्स दैट? हमारी खुद से क्या रिलेशनशिप है, हम क्या इसको समझना चाहते हैं, हमारी रिलेशनशिप हर एक सेक्टर में कैसी है, तो हम सबसे पहले अपने ऊपर काम करेंगे. ओके, आर यू ऑल विथ मी ऑन दिस? अपने से रिलेशनशिप सुधारना, अपने अड़ोस पड़ोस से रिलेशनशिप सुधारना, इवन अपने फाइनेंसेस, मनी, वेल्थ, हेल्थ, आपका सोशल स्टेटस, इन सबसे एक बार हम अपना रिलेशन सुधार लें, उसके बाद फिर हम किस तरह से अपना डेली रूटीन मैनेज करना है उसके उस पर हम सेकेंड मंथ में आएंगे, और किस तरह से अपने अपॉर्चुनिटीज को खोलना है. ओके, तो चलिए स्टार्ट करेंगे. So, अब यहाँ पर क्या हुआ, अब आप लोग इसका आपके सबके चेंजेस हो जाएंगे नंबर्स. अब आप लोग अपना लिखिए चेंजेस. अब आप किसको प्रायोरिटी देंगे? पहले सबका पांच तो ऊपर आ गया, वो मुझे पता है.
उसके बाद आप किसको देंगे. नाउ योर थॉट प्रोसेस इज स्टार्टिंग चेंजिंग. सी अब वो चेंज होने लगा है धीरे धीरे. नाउ यू हैव टू थिंक ओवर. और पहले वाला जो नंबर है उसको भी संभाल के रखिएगा एंड तक मतलब एंड ऑफ द क्लास तक. पूरे सेशंस हो जाएंगे, 2 महीना संभालिएगा इस नंबर को, क्योंकि एंड में मैं आपसे फिर पूछूंगी कि अब आप कहां स्टैंड करते हो. अभी सबके चेंजेस आए कुछ कुछ. 5, 4, 1, 2, 3 आप ऐसे लिखिए जो पहले था और अब जो हुआ है, बिकॉज अभी याद नहीं है ना मुझे सबके, जो फर्स्ट नंबर था और अब जो सेकंड नंबर है. आपको खुद समझ आएगा कि कितना आपने डिफरेंस, सिर्फ इस बात से समझने के लिए कि प्रॉब्लम कहां से शुरू होती है, जो जड़ है वो कहां से शुरू हुई है. जब वो एक बार समझ आ गई तो फिर आप कर लेंगे उसको मैनेज आराम से. फाइव फोर वन थ्री एंड टू. फाइनेंस देखा सबके पीछे आ गए. मैं नोटिस कर रही हूँ फाइनेंसेस काफी पीछे जा रहे हैं अभी सबके. कार्तिक जी आपका 1, 2, 5, 4, 3 था. एक मिनट आई जस्ट चेक वापस. पहले था 1 हेल्थ, फिर फाइनेंस, फिर रिलेशनशिप, अभी रिलेशनशिप इवन फाइनेंस आया और फिर आ गया सोशल. अब आप देखिए कितना विद इन मिनट्स आपके आपका थॉट प्रोसेस चेंज हो गया है ना. अब इसमें मैंने आपको क्या करा. सी एनएलपी यही से स्टार्ट हो जाती है. मैंने आपके न्यूरॉन्स में कुछ ऐसे वाइब्रेशंस भेजे, कुछ ऐसी नॉलेज भेजी जिससे आपको थोड़ी क्लैरिटी आई. है ना. सो दिस इज, अब आपको ये क्लियर है कि आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, रिलेशनशिप. अब हम रिलेशनशिप पे ही काम करेंगे, पहले उसको ठीक करेंगे है ना. तो अब एनएलपी बोलता क्या है. एनएलपी वही है कि आपके जो न्यूरॉन्स होते हैं आपकी बॉडी में, कितने न्यूरॉन्स हैं किसी को पता है ये. हाउ मेनी न्यूरॉन्स डू यू हैव. एक अप्रोक्स है, आई एम नॉट गोइंग इन द एग्जैक्ट नंबर, बट एक अप्रोक्स आपकी बॉडी में कितने न्यूरॉन्स होते हैं. एनीवन ओवर 65 बिलियन. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी नंबर लेस देन दैट. आई एम टॉकिंग अबाउट 65 बिलियन न्यूरॉन्स एट वन गो आपकी बॉडी में चल रहे होते, काम कर रहे होते हैं. Wow, what a great number, right? आप सोचिए ये न्यूरॉन्स की अपनी एक लैंग्वेज है और जिसके बेस पर आपके सारे एक्शंस चलते हैं, पूरी लाइफ के एक्शंस चलते हैं आपके, आपके थॉट प्रोसेस उसके ऊपर चलते हैं. और कितना मैजिकल होगा अगर ये 65 बिलियन न्यूरॉन्स आपकी इच्छा के अनुसार चलें, राइट? कितना मजा आएगा सोच के देखिए. एक अलग ही लेवल है जीने का, है ना. तो न्यूरॉन्स की जो लैंग्वेज होती है वो ऑब्वियसली जैसे कंप्यूटर लैंग्वेज होती है ना, 1 and 0. कंप्यूटर लैंग्वेज सभी को पता है, जो भी कंप्यूटर से रिलेट करते हैं, जो सीखा है एनीवेज, उसकी लैंग्वेज होती है 1 and 0. वही बस भाषा समझते हैं और कुछ नहीं. ऐसे ही हमारे न्यूरॉन्स भी कुछ ऐसी लैंग्वेज समझते हैं जो उसके ऊपर वो प्रोसेस करते हैं, काम करते हैं, और उसी तरह से हमारे एक्शंस, बिहेवियर पैटर्न चलता है. ठीक है.